भोजपुर जिले के जगदीशपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 अंतर्गत निबंधन कार्यालय जाने वाले मुख्य मार्ग अवस्थित जर्जर हो चुके पुलिया निर्माण का कार्य शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। साथ ही स्थानीय निवासी व राहगीरों ने नगर पंचायत के मुख्य पार्षद को इस जनहितकारी निर्माण के लिए धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर की है। राजद प्रखंड अध्यक्ष आफताब उर्फ भोला खां, वार्ड संख्या 17 के रंजीत कुमार, सराजुल अंसारी, सुशील चौधरी, गौतम सिन्हा, जितेंद्र चौधरी, जवाहर चौधरी, अवधेश प्रसाद, रंजन यादव आदि ने बताया कि निबंधन कार्यालय, उपडाकघर व पठानटोली जाने वाले मुख्य मार्ग पर पूरी तरह से जर्जर हो चुके पुलिया का निर्माण नहीं होने से लोगों में आक्रोश व गुस्सा था। दर्जनों बाइक सवार यहां गिरकर घायल हो चुके हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों को इस मुख्य रास्ते से होकर आना जाना होता है। अब निर्माण हो जाने से सभी को सुविधा होगी। वहीं मुख्य पार्षद संतोष कुमार यादव ने कहा कि निवर्तमान वार्ड पार्षद ज्योति कुमारी सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा प्राथमिकता देते हुए उक्त जर्जर पुलिया के शीघ्र निर्माण का अनुरोध किया गया था। पुलिया निर्माण से जुड़े आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पुलिया निर्माण का कार्य शुरू करा दिया गया है। आखिर मुख्य पार्षद ने नगरवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि नगर के सभी 18 वार्डों में अगर कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या या परेशानी हो रही हो तो शीघ्र मेरे संज्ञान में दे, तुरंत ही निपटारा किया जाएगा। इधर निवर्तमान वार्ड पार्षद ज्योति कुमारी ने नगर पंचायत चेयरमैन का आभार जताया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि जर्जर हो चुके पुलिया से राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पुलिया का निर्माण हो जाने के बाद लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। तो यहाँ के सम्मानित हमारे चेयरमैन संतोष भाई जो जगदीश नगर पंचायत के हैं, उनसे हम 15 रोज 14 रोज पहले मिले, उनके आवास पर जाकर मैं समस्या का अवगत कराने के काम किए। बोले कि भाई आप जिस नगर के हैं देख रहे हैं समस्या बहुत है, जो इससे निबंधन पदाधिकार निबंधन कार्यालय में शाहपुर, बिहिया, सहा, अज्ञाव, रोहनी के लोग आना जाना इसी तरह से था, बहुत कठिनाई था। जगदीश नगरवासी के कठिनाई था, खासकर वार्ड नंबर 17-18 के जनता के आने जाने में कठिनाई था। समस्या को देखते हुए प्रतिदिन मोटरसाइकिल गिरना उठना, महिला को गिरना, हम सब 1 या 2 मई को हम उनसे मिले, उनका आवास हो जाकर हमने उनसे कहा कि भाई इसमें काम लगाइए अध्यक्ष जी, इसलिए बहुत समस्या इस नाली से बहुत दिक्कत है। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि आपको 15 दिन के अंदर हम काम लगवा देंगे, आपका नाली बन जाएगा। हमने उनसे एक बात कहा था कि अगर आप नहीं लगवाते हैं काम तो हम बात होकर हमको 2 घंटा जाम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भोला जी आपका ऐसा नौबत नहीं आएगा, हम 15 दिन के अंदर उसमें काम लगवा देंगे। उन्होंने अपने बात पर खरा उतरे, हमारे बात को अमल पर लिए, हमारे बात को ध्यान से सुने, जनता को समस्या देखे और सुने। मैं आपके चैनल के माध्यम से जगदीश नगर पंचायत के चेयरमैन को, हमारे रिश्ते में दोस्ती में हमारा भाई भी है छोटे, मैं उनको अपने तरफ से वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18 के साथ साथ पूरा नगरवासी की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने तत्काल हमारे पहल पर नाली बनवाने का काम किए। वो जो पुल है वहाँ पर होटल के जो पुल है वहाँ से हमने उनको सलाह दिए थे, वहाँ से आप लेबल में लीजिएगा ताकि नाली जो है बढ़िया से बन जाए। तो इसके लिए मैं आपके चैनल से माध्यम से मैं फिर एक बार उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनसे खुश हूँ। वार्ड नंबर 17, मेरा नाम भोला खां, सामाजिक कार्यकर्ता सह राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड जगदीशपुर। आपने सुना होगा बिल्कुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी, ETC बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा।